जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वेस्ट डिकम्पोजर के घोल को कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है और खेती में लोग इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। अभी तक आपने कई तरीकों के बारे में जानकारी हासिल की है और कई ऐसे तरीके हैं जिनको अभी जानना बाकी है। डॉक्टर कृष्ण जी के द्वारा बताए गए कई तरीकों में से आज हम किसान भाइयों से कीट और रोगों के लिए एक तरीके के बारे में बात करेंगे, इसे कैसे तैयार किया जाना है। लेकिन इससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फार्मूला नंबर 7, यानी कि पत्तों के रस से कीटनाशक और फफूंदी नाशक। दोस्तों, आसपास कई ऐसे पेड़ पौधे व खरपतवार होते हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं। इन्हीं के द्वारा वेस्ट डिकम्पोजर के घोल का इस्तेमाल कर एक बहुत ही कारगर कीट व रोगों के लिए घोल तैयार करने के लिए आज हम बात करेंगे। इसे बताने में सामग्री क्या लगेगी, कैसे तैयार करना है, कितने दिनों में तैयार हो जाएगा, एक्सपायरी क्या होगी और लागत इसमें क्या आएगी और इससे क्या फायदे हैं खेती में और कैसे प्रयोग करना है, तो सबसे पहले जानते हैं सामग्री। दोस्तों, इसके लिए जो आपके आसपास के कई सारे ऐसे पौधे हैं जिनकी हमें पत्तियों की और फलों की ज़रूरत है, ये पौधे कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका बेल, धतूरा, आकड़ा यानी कि मदार, नीम, कंदेल, बेसरमा, भांग और अन्य ऐसे खरपतवार जो जानवर नहीं खाते हैं, उनको भी आप इसमें ले सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, हमें प्लास्टिक या मिट्टी का एक बर्तन की ज़रूरत होगी और वेस्ट डिकम्पोजर के घोल की ज़रूरत होगी। कैसे बनाना है दोस्तों, आप जितनी भी पौधे हैं ये सब, इनकी पत्तियाँ लगभग 1 से 2 किलो तक लेकर आएँ और जब पत्तियाँ जब आप इकट्ठे कर लें हैं तो आपको इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, या अगर आपके पास मिक्सी है तो आप इसको पीस लें, ये भी बेहतर है। तो जब आप इसको काट लेंगे या फिर इसे पीस लेंगे, फिर क्या करना है, आप उस बर्तन को, जो आप बर्तन इसके लिए आपने लिया है उसको ले आए और उसमें इस कटे हुए पत्तियों को उसमें डाल दें या फिर जो पेस्ट बनाया है उसको इसमें डाल दें और फिर आप इसमें वेस्ट डिकम्पोजर के घोल को इसमें डाल दें और फिर आप इसे ढककर रख दें। इसके बाद इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस आप इसे, इसमें कितना समय लगेगा दोस्तों, इसको केवल 21 दिन में ये लगभग तैयार हो जाता है। दोस्तों, 21 दिन के बाद जब ये तैयार हो जाएगा तब आप इसे छान कर और बोतलों में भर कर रख दें और ये आगे स्प्रे करने के काम में आएगा। अब दोस्तों, इसकी एक्सपायरी क्या है, एक्सपायरी दोस्तों इसकी कुछ भी नहीं है और जब तक आप इसको चाहें इसका प्रयोग कर सकते हैं और जितने ज़्यादा पुराना होगा उतने अच्छा होता है। दोस्तों, आप इसको बनाकर रख सकते हैं। और इसके फायदे क्या हैं दोस्तों, खेती में इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपने देखा होगा खेती में कितने सारे कीट लगते हैं, रोग लगते हैं और उसके लिए हमें बाज़ार से ना जाने कितने कीटनाशक या फंगीसाइड हमें खरीदने पड़ते हैं और खेतों में प्रयोग करने पड़ते हैं। अगर आप इसे घर में तैयार कर लेंगे तो ये बहुत सारे कीट या रोगों को नियंत्रित करेगा और हमारी फसल को बचाएगा। इसमें खास बात कि इसमें कोई केमिकल नहीं होता है और जो हमारी फसलें होंगी वो जहर मुक्त होंगी। तो दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात है, इसका फ़ायदा है कि हमारे कीट भी नहीं लगेंगे, रोग भी नहीं लगेंगे और ये हमारे फसलों को बूस्टर का भी काम करता है, यानी कि ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो ये तो बात रही दोस्तों इसके फायदे की, अब इसको कैसे प्रयोग करना है। तो दोस्तों, इन पत्तियों का जो रस आपने तैयार किया है इसका 5% लें और उसमें 50% पानी और 50% वेस्ट डिकम्पोजर का घोल लें और इसको आप पौधों पर आसानी से स्प्रे कर सकते हैं। और दोस्तों, आप इसमें 5% की जगह आप जो है 10% भी ले सकते हैं और ख़ासकर सब्जियों में अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आप 3 से 4 दिन के अंतराल पर लगातार 2-3 बार स्प्रे करें। उसके बाद जब आपको कीट या रोग नजर आए तब आप इसका स्प्रे करते रहें। बाकी फसलों पर आप जो है 1 हफ्ते के अंतराल पर लगातार 2-3 स्प्रे करें, उसके बाद जब कीट या रोग नजर आए तब आप इसका स्प्रे करें। इस वीडियो में आपने देखा पत्तियों के रस से कीट और रोगों का आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है और इसे बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें ना तो कोई लागत लगती है, बाजार से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में तैयार हो जाता है और बहुत ही आसानी से इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो दोस्तों,
आप देखते रहें लगातार वेस्ट डिकम्पोजर के फार्मूले, और अगले वीडियो में हम देखेंगे एक नए फार्मूले के साथ। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, साथ ही साथ लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।